दोस्तों नमस्कार, मैं आपका सुमन शेख बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, हम लोग आज इस वीडियो में इस चीज़ को सीखने वाले हैं जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में हो या कोई रनिंग इंडस्ट्री में हो, तो इसको बोलते हैं HSC इंडिकेटर्स, मतलब कि HSC परफॉर्मेंस, मतलब आपका परफॉर्मेंस कैसा था। इसको और भी बोलते हैं HSC KYP की प्रोसेस इंडिकेटर बोलते हैं, मतलब कि हमारा प्रोसेस का क्या है फ़ायदा, मतलब कि क्या फ़ायदा नहीं, क्या है परफॉर्मेंस, मतलब हमारा जो इस महीना में HSC की तरफ से क्या चीज़ अपडेट है, मतलब कि क्या एक्सीडेंट डेटा, मतलब सीधा सा सीधा बोल देंगे तो डेटा है। तो ये चलो हम लोग एक्सेल शीट में सिंपल तरीका में कैसा बनाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अभी चलो करेंगे। दोस्तों चलो, यहाँ पे सब वैल्यूज़ में डाला है क्योंकि हम लोग जब भी कुछ वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं आपको सब इंडिकेटर्स यहाँ पे कुछ अमाउंट डाला हूँ, तो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए कैसा फील करना है सिंपल से बताता हूँ। एक जो कोई भी नया सेफ्टी ऑफिसर हो या कोई भी नया सेट में है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है, फर्स्ट कॉलम में आप देखो HSC इंडिकेटर्स, जो HSC इंडिकेटर्स, मतलब कि आप HSC इंडिकेटर लिख सकते हैं, चाहे आपको HSC परफॉर्मेंस रिपोर्ट लिख सकते हैं, या HSC KYP प्रोसेस बोल के तीन, अभी जैसा मैं बोला था ईसा, उसमें क्या है सीरियल नंबर तो आपको लिख सकते हैं, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं, मैन डेज वर्क लिख सकते हैं, मैन डेज मतलब कितना देर वर्क किया है वो लिख सकते हैं, और मैन आवर्स वर्क, मैन डे मतलब एक दिन कितना दिन हुआ है, मतलब वो जो पर्टिकुलर पीरियड में कितना दिन, मैन वर उसमें से 8 घंटा का एवरेज लेते हैं तो हम लोग 8 घंटा डाल देंगे। कोई रिमार्क है तो अगर लिखने का, तो कंपनी एक्स मतलब कि कंपनी एक्स आप लोग हैं, अगर कंपनी एक्स सब मतलब कि आपका सब कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको नॉर्मल वैल्यू जो बताया 63, जो 63 कैसा आया, मतलब कि 63 देखो ये, सॉरी 63 अगर मान लो 63 का हम लोग यहाँ पे 504, 504 कैसा आया, 63 को देखो 63 × 8 मतलब 8 घंटा का जो किया है, मैं कुछ नहीं कैलकुलेशन किया हूँ, जो कैलकुलेशन का भी फार्मूला बहुत ईजी है, इज इक्वल डाल दो, इज इक्वल मार के वो कॉलम और सी कॉलम इंटू डी कॉलम अगर डाल दोगे ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो और कंपनी एक्स का सब हमारा ये सब कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका डालना, उसका भी सेम यही है, जो C4 में C4 कॉलम इंटू 8 मारेंगे उसका आ जाएगा। तो ये दोनों का आने के बाद आप लोग टोटल सेफ मैन आवर्स, मतलब कि जो इंजूरी अगर कुछ भी नहीं हुआ तो सेफ मैन आवर्स वो कैसा क्या है मैं भी बता रहा हूँ। तो उसके बताने से पहला आप ये वैल्यू कैसा आ रहा है, जो सम, ये सम करके मतलब ये क्या है प्लस करना है, कौन सा प्लस, जो ऊपर का दो, जो हमारी खुद की कंपनी का अगर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर है उसका, दोनों का मिला के सम करेंगे तो वो आ जाएगा, तो वो भी उधर डाल दो। और तीसरा जो है आपको ये भी सेम ऐसा है, तो एवरेज जब आएगा तो एवरेज जो है ये दोनों का एवरेज अगर करेंगे तो एवरेज मैन आवर्स जो है 8 घंटा एवरेज है वो आ जाएगा, मैं जैसा बताया ना वो एवरेज 8, अगर कोई साइट HSC ऑब्जर्वेशन से मतलब कि उस मंथ में तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो उस मंथ का मेजर पाची था जो इमीडिएट जो साइट लेवल में अगर ख़त्म हो गया वो हम लोग जनरली इसमें इंडिकेट नहीं करते, तो कोई मेजर है जो रिस्की लेवल है तो उसको हम लोग इंडिकेट करते, वो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। तो इसी तरह से इजी से एक सिंपल एक्सेल शीट में आप बना लो। तो देखो ये वैल्यू का बराबर हम लोग अभी बनाना है, जो असल शीट जो है ये है। तो मंथली HSC इंडिकेटर्स में सबसे पहला देखो एक कॉलम जैसे कि वो बनाया इसी तरह का है, ये कोई गड़बड़ी नहीं है, तो यहाँ पे डाल दो लोगो, आपकी कंपनी जो है वो कंपनी का लोगो एक डाल दो, तो मंथली HSC इंडिकेटर बोल के लिख दो। बाद में क्या है प्रोजेक्ट, जिस जगह पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस जगह पे वो प्रोजेक्ट का नाम वहाँ पे डाल दो, कॉन्ट्रैक्टर जो सब कॉन्ट्रैक्टर से जो भी है उसका डाल दो। तो YTD मतलब कि एट टू डेट, मतलब कि करंट डेट मतलब कि करंट मंथ यहाँ पे जो दिया हूँ, करंट डेट मंथ में जो December 2020 मतलब कि जो December 2020 मंथ का अभी हम दे रहे हैं, जो पीरियड कौन सा पीरियड से कौन सा पीरियड, मतलब कि पहला को चालू हुआ 31 का रिपोर्ट हम लोग भेजे, मतलब ये है। तो ये डालने के बाद इधर साइड में जो है डॉक्यूमेंट नंबर, कोई भी
ऑडिटर कोई भी आ जाता तो हम लोग एक मास्टर लिस्ट, जो जितना भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो उसका लिस्ट बनाना पड़ता, तो उसका लिस्ट में ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे जो है MI मंथली इंडिकेटर, MI बोल के दिया हूँ मैं, MI मंथली इंडिकेटर HSC008, ये डॉक्यूमेंट नंबर 8 है, मतलब कैसे ना हो जो भी है डालो। जो डेट देखो यहाँ पे, ये जो डेट है हम लोग कब सबमिट करते हैं तो वो डालना है। एक्चुअली यहाँ पे डेट गलत है, लेकिन डेट जो डालना है, मैं जो सबमिट किया था 5/2/5/21, मतलब कि 2021, वो डालना है। जो भी डेट को सबमिट कर रहे हैं वो डेट डाल देना, डाल दो। तो बाद में क्या है, सिंपल है, देखो ये 3 कॉलम होने के बाद 4 कॉलम, जो सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट पीरियड, क्यूमुलेटिव, तो ये डाल दो, इजी से रहेगा। देखो टोटल मैन आवर्स वर्कड जो हम लोग इससे पहला पेज में जो लिए थे ना, तो उसी का है, वही डाल देंगे क्यूमुलेटिव, क्योंकि इससे पहले अभी नहीं हुआ था, ये पहला है, हमारा प्रोजेक्ट दिसंबर में ही चालू हुआ, तो वो डालना। क्यूमुलेटिव मीन्स लास्ट मंथ का भी अगर कैलकुलेट करके कंटिन्यूस करते रहेंगे, जो विदाउट एक्सीडेंट जब तक हुआ तब तक ये कैलकुलेट करते रहेंगे। एवरेज मैन आवर्स 8 जो है डाल दिया, फर्स्ट एड केसेस 0 है, अगर कुछ है तो आप वो डाल दो। डे अवे केसेस मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस वगैरह जो भी है वो, एड टू डेट मतलब कि करंट पीरियड तक कितना हुए हैं वो भी डाल सकते हैं आप, ये वो डालने का। और रिपोर्टेबल केसेस मतलब कि कोई भी रिपोर्टेबल केसेस कितने हुए हैं, मतलब कि कोई भी इंसिडेंट है या एक्सीडेंट, सो टोटल रिपोर्टेबल बोलते हैं ना, तो वो केसेस कितने हुए हैं वो, एड टू डेट वो अभी कितने हैं, मतलब कि जो है करंट मंथ का डालो, एड टू डेट मतलब करंट ही डालो। सो क्यूमुलेट करिए ना, रेट डालो, इसी पहला एक वीडियो में मैं बनाया था रेट कैसा बनाना है, वो रेट अगर आप डाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर अटेंड सेफ्टी इंडक्शन या टूल बॉक्स मीटिंग, जैसे कि हम लोग और भी ट्रेनिंग्स देना है, बट इस वीडियो में आपको इजी इजी के लिए मैं बना रहा हूँ। 41 टूल बॉक्स मीटिंग हुआ है, 747 अगर 747 सॉरी टूल बॉक्स मीटिंग हुआ है, 41 इंडक्शन ट्रेनिंग न्यू कमर्स का हुआ है, तो क्यूमुलेटिव में भी यही है, जो अगर ज़्यादा हुआ तो वो डाल देना का, एज अ वन टाइम वन आदमी को, मतलब एक टाइम एक आदमी को भी किया वो एक कैलकुलेट किया जाएगा। सो नंबर ऑफ वायलेशन, कोई वायलेशन कॉन्ट्रैक्टर साइड से या अपने साइड से कोई एम्प्लॉय अगर कर रहा हो तो वो बताने का। तो यहाँ पे नियर मिसेज रिपोर्ट्स कुछ है, क्यूमुलेटिव में कितने हैं वो डालने का। नंबर ऑफ एक्सीडेंट इंसिडेंट्स मतलब कोई भी एक्सीडेंट या फर्स्ट एड केसेस जो भी है, ये इसमें एक्सीडेंट रिपोर्ट में हम लोग अपडेट करना पड़ेगा। तो वो है, ऑलरेडी फर्स्ट एड केसेस का दिया हूँ, नियर मिसेस का दिया हूँ, ये एक्सीडेंट्स है, जो एक्सीडेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस को इसमें आप डाल दो। तो सिंपल तरीका, सिंपल एक्सेल शीट है, एकदम क्लियर कट है, कोई भी अगर इजी सी अंडरस्टैंड करने का एक ही प्रोसीजर है, जो EHS इंडिकेटर्स जो रिगार्डिंग डालो, तो EHS HSC ऑफिसर जो आपका नाम डालो। तो सिंपल में दोस्तों कोई भी गड़बड़ी नहीं है, बहुत आराम से बनाने का, जो कोई भी अगर बनाएंगे हम रिपोर्ट तो आगे बंदा इजी से अंडरस्टैंड, ऐसा इजी अंडरस्टैंड हो जाना है कि हमारा परफॉर्मेंस ऐसा लेवल है, क्योंकि काम तो सब लोग करता, जो दिखेगा वो बिकेगा, जो है ना कहावत, इसी तरह से हम लोग हमारा परफॉर्मेंस सेफ्टी का अच्छा बताना है, बताना मतलब कि करना है, अगर करेंगे तो बता सकते हैं। तो ये HSC इंडिकेटर्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो ये हम लोग कंपलसरी करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन बॉक्स। ओके, थैंक यू।